राष्ट्र कैसे बनेगा? मुझे आप बताइए, एक घर में हम सिख भी हैं, मोदी जी आएंगे तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। कौन से विकास की गंगा बह रही है? कोई गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो ये तो मिनट में उठा के ये कह दिया वो कह दिया, ऐसे नहीं होता। दिन में तीन दिन में सब कुछ हो गया, ऐसा कब हुआ है? कौन से केस में हुआ है जिसपे उन्होंने स्टे ली हो, एकदम से उसको खुलवाना और एकदम से सदा हो जाना, सदस्यता भंग कर देना, घर खाली करवाने के लिए कह देना? कोई MBA का स्टूडेंट पकौड़े तलेगा? इसीलिए पढ़ाते हैं बच्चों को कि पकौड़े तले, शूज पॉलिश कर ले, पेंचर लगा ले। हद है मोदी जी, इस हालात में है पंजाब की औरतें कि जुत्ती उठा के मारेंगे हमारे भगवंत मान को अगर सामने आ जाते हैं तो। मोदी जी जीत जाएंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोदी जी ही माफी मांगेंगे हमारे सदस्यों से, क्योंकि अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो ये पहली बार है कि उस गुनाह के लिए उनकी 2 साल की सदस्यता को भंग कर दिया गया। और मोदी जी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं इससे जन जन वाकिफ है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी ने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। इसी बात का बदला लेने के लिए और चुप्पी साधी हुई है उन्होंने और ये कार्य उन्होंने करवाया। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी माफी मांग ले। क्यों मांग ले? कोई गलती की है उन्होंने, क्यों माफी मांगे? हर किसी का डेमोक्रेसी में राइट है अपनी आवाज उठाने का, वही हमारे राहुल गांधी जी ने भी किया। ना वो माफी मांगेंगे, ना हम माफी मांगेंगे, ना माफी मांगने देंगे। पिछड़ों का अपमान क्या है ओबीसी का? ओबीसी का तो अगर आपने वो प्रॉपर वीडियो देखी हो तो उन्होंने सिर्फ 3 मोदी का नाम लिया, ठीक है, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का, पर उन्होंने ओबीसी ये नहीं कहा कि सारा मोदी समाज चोर है। वो किसी भी ओबीसी, आप पंजाब में आइए, पंजाब में लोग तूफान की तरह आए, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं था। उन्होंने राहुल यात्रा में हर जन को अपने गले से लगाया और लोगों ने इतना सम्मान और प्यार दिया कि ये सम्मान और प्यार हम राहुल गांधी जी को 24 के इलेक्शंस में लुटाएंगे। पर वो चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते ना, आपको 24 में क्या होगा फिर? वो तो 24 की बात है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी बहुत समय है। अभी तो मोदी जी माफी मांगेंगे राहुल जी से कि क्योंकि अगर किसी ने कुछ कह दिया उसको पहला गुनाह तो सबका माफ होता है, और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सजा भी हुई हो, जुर्माना होता है, जुर्माना भर दिया जाता है। ये तो साथ के साथ 2 साल की सजा, सदस्यता भंग और सब कुछ खत्म। क्या लगता है इसके पीछे क्या है, साजिश है क्या? बिल्कुल, मोदी जी और अडानी की साजिश है ये। मोदी जी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सब भी ये जानना चाहते हैं कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है, और अगर है तो उसको प्रूफ करें। जहां पे जाते हैं मोदी जी, हमेशा अडानी जी उनके साथ होते हैं। अगर कहीं कोई समझौता करके आते हैं, अडानी जी उसके पीछे वहां पर। मतलब ये अडानी और मोदी का इतना प्यार का रिश्ता है कि आज सारी बीजेपी सरकार अडानी को बचाने में जुट गई है। वो कह रहे जनता भी प्यार कर रही है मुझे, अडानी तो छोड़िए जनता भी प्यार करती है। मोदी जी को जनता अगर प्यार कर रही होती तो ये जन सैलाब घर से अपने बच्चों को छोड़ के, अपने काम छोड़ के यहाँ ना पहुँचा होता। गरीब माँ का बेटा हूँ मैं, इसलिए जनता प्यार करती है। हम भी गरीब है, हम तो प्यार नहीं करते। किस गरीब के घर में इन्होंने चूल्हा जला दिया? पंजाब में किसानी रो रो के खत्म कर दी इन्होंने। आप जाके देखो पंजाब में तो अडानी जी के पूरे वो बन भी चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि हम सब मर जाए पंजाब में? हमारे लिए क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया मोदी जी, शर्म करो। आपने हम लोगों को, पंजाबियों को तो आतंकवादी भी बोल दिया, तो क्या हम आतंकवादी दिख रहे हैं? आज हम दिल्ली में आए हैं क्या, हम बम्बले? महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं मोदी जी, देखिए। महिलाओं की सुरक्षा तो आप रहने ही दीजिए, आप रोज का न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें शर्म आती है जब हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जो और लेडीज है और हमारी बच्चियां हैं, यहाँ तक कि हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी आजकल असुरक्षित है। कह रहे राहुल गांधी तो शहजादे हैं। राहुल गांधी शहजादे हैं तो उन्होंने इतनी जो लंबी पद यात्रा कर दी, पहले गांधी जी ने की थी, अब राहुल गांधी जी ने की है, तो अब मोदी जी भी इस तरफ निकले ना, जोड़े लोगों को, लगाए गरीब को अपने गले। वो तो अगर मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं तो उनके सामने कोई आ जाए तो उनको पीछे कर देते हैं कि मेरी फोटो ना कट जाए। राहुल जी ने तो गरीब
गरीब को, अमीर को, हर जन को गले से लगाया और मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली है वो 24 में सामने आएगी। सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते थे। चलो अगर मीडिया को ये लगता है तो आप भी मेरे मीडिया भाई हो तो आप मुझे मीडिया वाले नहीं। हाँ, चलो जो यूट्यूब पे हो आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो ना, आज मेरी आवाज सुन के भी कुछ को तो जरूर पता लगा होगा कि मोदी जी और अडानी जी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, तो हम ये जवाब लेना चाहेंगे। अरे विकास की गंगा बह रही है। कौन से विकास की गंगा बह रही है? पंजाब में आते हैं तो हमें, जब पंजाब में आते हैं तो हमें वहाँ पे कह दिया जाता है ये मैं तो बच के आ गया, मैं खैर मनाता हूँ। हम आतंकवादी हैं वहाँ पे, हमने उन पे बहुत दुर्व्यवहार किया तो मैं पंजाब को कुछ नहीं दूंगा। क्यों? सिर्फ पंजाब पे इसलिए हमें इस चीज से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया कि वहाँ ये पहुँच नहीं पाए अपनी रैली में, क्योंकि जो प्यार और जन सैलाब ये वहाँ पे सोच रहे थे कि उमड़ कर आएगा, वहाँ सिर्फ 100 बंदा था जहाँ इनको लग रहा था कि 5000 इंसान होगा। इसीलिए जी शर्मिंदा होने से बचने के लिए सॉरी मोदी जी, अब इसमें भी लोग तो टिप्पणी कर देंगे कि इन्होंने तो ये बोल दिया जी, कोई गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो ये तो मिनट में उठा के ये कह दिया वो कह दिया, ऐसे नहीं होता। इंसान है, हर इंसान है, मोदी जी से भी गलतियां होती हैं, पर हम ये जानते हैं कि पंजाब में तो मैं दावा कर सकती हूँ कि बीजेपी बिल्कुल नहीं आ सकती। कांग्रेस को खत्म कर दिया पंजाब में तो, कांग्रेस खत्म कर दिया, वो जो लोगों ने खत्म किया एक बहकावे में आके आप सरकार के। क्या मैं उन स्त्रियों से वहाँ रोज जाके पूछती हूँ कि आपके खाते में हजार हजार रुपए आया? आज एक बार आप चक्कर लगाइए पंजाब का, इस हालात में है पंजाब की औरतें कि जुत्ती उठा के मारेंगे हमारे भगवंत मान को अगर सामने आ जाते हैं तो। क्या उन्होंने किया? नशे खत्म किए? नहीं, पैसा आया ही नहीं, और बेरोजगारी वही की वही। जो ये हमारे अपना केजरीवाल जी मेरी बहनों को वहां पे ये कह के आए थे, दिलासा दे के आए थे कि मैं आपको नौकरियां दूंगा, वो मेरी बहनें तो फिर टैंकी के ऊपर है, रो रही है, वहां लाठी चार्ज हो रहा है। क्या नौकरी मिल गई? कुछ नहीं मिला। बीजेपी कह रही है, इस चीज का प्रूफ कहते हैं ना कि बोलने के बजाय करके दिखाना चाहिए। 24 के जो आपके ये चुनाव आएंगे उसमें हम बिना बोले इनको रिजल्ट देंगे कि मोदी जी आपने कितने अच्छे दिन लाए। तो अभी से कह रहा 24 में मोदी जी आएंगे, बताइए। चलो मोदी जी आएंगे तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। पहले डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, फिर कोविड के दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो जमीनी स्तर के लोग थे, जो छोटे कारीगर थे, उनका तो बिल्कुल ही खात्मा हो गया। अगर आप देखो जाके उनको क्या राहत दी गई, कुछ नहीं, ठीक है। जो उन्होंने गए थे 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा ना, वो खाते में आया। साधु संत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा मुझे आप बताइए? एक घर में हम सिख भी हैं, हमारे सिखों के बाल भी कटे हुए हैं, तो हम कैसे कह दें कि ये हिंदू सिख है? हम सब एक है। ये जो पॉलिटिशियन है ये हमारे में जो है ये भेदभाव डालते हैं, हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है। हम हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब एक है। हमें इन राजनीति से ऐसी राजनीति नहीं चाहिए कि जो ये कहते हैं हिंदू राज्य आएगा, हिंदू भी वहीं रहेगा, सिख भी वहीं रहेगा, हम सब भाई भाई। बीजेपी की पूरी तैयारी है 24 में कि राम मंदिर भव्य बनेगा। मंदिर तो भव्य बनना ही चाहिए, मंदिर को भव्य बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो राम। बीजेपी वोट मांग रही है, आप क्या करेंगे बताइए? लोग बहुत सियाने हो चुके हैं, अब मंदिरों के नाम पे राजनीति नहीं होती है। उनको अपने हक चाहिए, उनको अपनी फैसिलिटीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई कम होनी चाहिए। राम मंदिर बनाने से कोई ऐसे वोट बैंक उनको नहीं मिलेगा। क्यों लगता है आपको नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सब हम घूमते हैं, हम जन जन के पास जाते हैं, हम गाँव में जाते हैं, हमें पता है कि आज की सिचुएशन क्या है। दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, क्या हाल हो रहा है देश में देखा आपने? देखिए बिहार में दंगे हो रहे हैं, बंगाल में दंगे हो रहे हैं, देखो वो भी मोदी जी ही करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, मैं सिख हूँ, आप हिंदू हैं, आप क्या कहेंगे कि मैं इस शहर में ना रहूं, मैं हिंदुस्तान में ना रहूं, मैं बाहर निकल जाऊं? आप मुस्लिम भाई को कहेंगे कि आप यहाँ रहना छोड़ दो?
ऐसा नहीं हो सकता भाई। अब हर इंसान आपस में प्यार करता है और बहुत समझदार हो चुका है, क्योंकि सिर्फ मीडिया ही नहीं, YouTube चैनल्स, देन आपका सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस दे रहा है कि हर बंदा आज की डेट में बहुत ज्यादा लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेस की लीगल टीम है कि उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है जो रिजल्ट हर बार निगेटिव आ रहा है? क्योंकि जो एक बहुत ही झूठ से भरी हुई सरकार खोखले दावों के साथ, कांग्रेस की जो लीगल टीम है एडवोकेट्स है, हाँ जी, इनकी भी समीक्षा, इनको पता ही नहीं चला 2 साल की सजा होगी ऐसे केस में, वो भी मानहानि की। मुझे एक बात बताओ, 2 दिन में 3 दिन में सब कुछ हो गया, ऐसा कब हुआ है? कौन से केस में हुआ है जिसपे उन्होंने स्टे ली हो, एकदम से उसको खुलवाना और एकदम से सदा हो जाना, सदस्यता भंग कर देना, घर खाली करवाने के लिए कह देना, मुंह में तो ये समझ में आया। इसके बड़े नेता है राहुल गांधी, उनके साथ ऐसा हो रहा तो लीगल टीम को सोचना चाहिए इस पर। लीगल टीम अपना कार्य कर रही है। पहले तो बात ये है कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे राहुल जी माफी मांगे, जो हरगिज नहीं होगा। क्यों माफी मांगे? अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम माफी मांगे, ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो कार्य है वो हमारे ऊपर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। अरे कोई फर्क और पड़ेगा इसमें, आप देखना हमारे राहुल जी और ज्यादा निखर के और ज्यादा लोगों के दिलों में बसेंगे। जो उन्होंने प्यार की दुकान खोली है वो नफरत की दुकान को बंद करेंगे मोदी जी को, और प्यार ही प्यार फैलाएंगे। प्यार तो मोदी जी बांट रहे हैं ना, सब बांट रहे हैं। मोदी जी जो प्यार बांट रहे हैं वो दुनिया देख रही है। अब बहुत प्यार देख लिया, अब हमें और प्यार की जरूरत नहीं है। उनके कहने से युद्ध रुक जाता है रशिया का, यूक्रेन का। ओहो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक करा देते हैं, कभी वो युद्ध रोक देते हैं। उनको बोलो अपने देश को संभालो, पहले अपना देश संभलेगा तो हमें बाहर किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। कोई काम अच्छा लगा मोदी जी का? कोई नहीं है। मोदी जी का मुझे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई, किसी को कोई खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप एक बार ये रैलियां छोड़ के एक बार पंजाब आइए और वहाँ आके घर घर जाके देखिए। निर्भर बना रहे ना, देखिए मोदी जी पकौड़े भी तलिए, वो भी रोजगारी है, पंचर लगाइए, पंचर लगाइए, पकौड़े तलिए। अब मुझे बताइए, कोई MBA का स्टूडेंट अब पकौड़े तलेगा? इसीलिए पढ़ाते हैं बच्चों को कि पकौड़े तले, शूज पॉलिश कर ले, पंचर लगा ले। मोदी जी किराने नजर नहीं आ रही, महंगाई पर क्या कहना है लगातार? महंगाई तो स्मृति ईरानी जी तो अब हो गई है, चुप्पी साध ली उन्होंने भी, क्योंकि मोदी जी का रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के हाथ में है। जब वो बोलते हैं तो उन्होंने चलना है, जब वो नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाती है। आजकल तो वो नजर ही नहीं आ रही है।